हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज आई हूँ आप सभी के लिए एक और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल करके आ रही है। ITBP की तरफ से कॉन्स्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी 2024 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, ITBP यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स के अंदर ये भर्ती निकल के आई है। कॉन्स्टेबल ड्राइवर की पोस्ट रहेगी। तो आगे हम चर्चा करेंगे इस पोस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में। देखिए फ्रेंड्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती होती है, ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी, जिसके लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पोस्ट की सारी जानकारी आपको आगे इस वीडियो में मिल जाएगी, लेकिन अगर आप इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर एग्जाम सिलेबस डाउनलोड करके देखना चाहते हो तो दोनों चीज़ें अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और हाँ फ्रेंड्स, टेलीग्राम का लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो जाइए जाके वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। देखिए, इस बार जो टोटल पोस्ट निकल के आई है 545 यानी 545 सीट के लिए आपकी ये भर्ती रहेगी। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है ना, उनके लिए 209 यानी 209 टोटल पद रहेगा। OBC के लिए 164 यानी कि 164, EWS के लिए 55 यानी 55, जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए 77, ST वालों के लिए 40 यानी 40। ओवरऑल द सीट इज 545, ये मैंने पहले ही बता दिया है। तो फ्रेंड्स, अभी हम जानते हैं कि इसका इम्पॉर्टेंट डेट क्या रहेगा, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने इसको लेके एक वीडियो पोस्ट करी थी, तो फाइनली ये फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है। देखिए, 8 अक्टूबर यानी कि यस्टरडे से ये फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट आपका 6 नवंबर यानी 6 नवंबर 2024 तक ये फॉर्म अप्लाई होगा। तो आपको इंतज़ार नहीं करना है 6 नवंबर तक, फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है। इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल हो तो जल्द से जल्द अप्लाई कर देना, क्योंकि बाद में क्या होता है ना, बहुत सारे कैंडिडेट वेट करते हैं कि अच्छा फॉर्म अप्लाई कर देंगे और सब इकट्ठे लास्ट में फॉर्म भरने लगते हैं, तो उस समय सर्वर इशू की वजह से ना बहुत डिस्टर्बेंस आ जाता है, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। इसलिए जल्द से जल्द आप अप्लाई कर देना। अप्लाई करते वक्त आपसे फ़ी क्या लिया जाएगा? देखिए, जनरल OBC और EWS के जो कैंडिडेट है ना, उनसे 100 रुपीज़ यानी 100 रुपया लिया जाएगा। वहीं पर जो SC ST कैटेगरी के बच्चे हैं या फिर एक सर्विसमैन है, उनसे फ़ी यहाँ पर कुछ नहीं लिया जाएगा। अब देखते हैं एज की लिमिट क्या रहेगी, लेकिन सबसे पहले बता दूं कि एज का कट ऑफ डेट क्या है, यानी किस डेट के अकॉर्डिंग आपका एज यानी उम्र की गणना की जाएगी। एज ऑफ 6 नवंबर 2024, मतलब जो फॉर्म अप्लाई करने का अंतिम तिथि है ना, वही आपका एज के लिए कट ऑफ डेट है। तो उसके अकॉर्डिंग 21 वर्ष से 27 वर्ष यानी 21 to 27 ईयर्स के सभी कैंडिडेट इलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ एज में रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाता है। OBC को 3 ईयर्स यानी 3 वर्ष का, SC ST को 5 ईयर्स यानी 5 वर्ष का। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी के ऊपर कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रहनी चाहिए। देखिए, क्वालिफिकेशन तो आपसे सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास मांगा गया, मतलब आपने मैट्रिक यानी 10th पास कर रखा है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब उसमें क्या आपका परसेंटेज है, इवन डजंट मैटर कि व्हाट इज योर परसेंटेज, बस लेकिन उसके साथ साथ में अगर आप 10वीं पास है, साथ ही साथ आपको पता है कि कॉन्स्टेबल ड्राइवर की भर्ती है, आपके पास एक वैलिड ना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो भी हेवी मोटर व्हीकल का, मतलब भारी वाहनों को चलाने का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस जरूर होना चाहिए। ये सारी बेसिक जानकारी थी। अब हम चर्चा करेंगे कि व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस, मींस कि किन किन स्टेज से गुजरने के बाद यहाँ पर एज अ कॉन्स्टेबल ड्राइवर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। देखिए, टोटल 4 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है। पहले स्टेज पर आपका फिजिकल हो जाएगा, जिसमें PET और PST दोनों होगा, मतलब कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट भी होगा, उसके बाद PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपका शारीरिक मापदंड भी किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका रिटेन एग्जाम होता है, मतलब लिखित परीक्षा होगी आपकी, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा,
मतलब कि ड्राइविंग से रिलेटेड, अब मान लिए कि हम फॉर्म भर दिए कि मुझे ड्राइविंग आती है, मेरे पास लाइसेंस भी है, बट वहाँ पे आपको देखा गया है कि आप अच्छे से गाड़ी चला पाते हो कि नहीं, आपको चलाने भी आ रहा है कि नहीं, तो वो परीक्षा में तो अगर आपको आता है, आपने फॉर्म अप्लाई किया, आपके पास लाइसेंस है, तो कोई इशू नहीं, आप आराम से पास कर जाओगे। कुछ हेवी वहाँ पर आपसे टेस्ट नहीं लिया जाएगा, 10 से 20 मिनट आपको ड्राइविंग का टेस्ट होगा, जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वैसे आपको ड्राइव करना होगा, ठीक है। लास्टली आपका DV प्लस मेडिकल होगा, यानी आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी और आपका बेसिक सा मेडिकल किया जाएगा। उस मेडिकल में जब पास हो जाएंगे ना, तो आपके घर पे आपके ज्वाइनिंग लेटर को सेंड कर दिया जाएगा, तो फिर आपको एज अ कॉन्स्टेबल ड्राइवर इन ITBP आपको सर्व करने का मौका मिलेगा। तो चलिए अब इसके रिगार्डिंग हम लोग अच्छे से सिलेक्शन प्रोसेस को इन डिटेल समझ लेते हैं। जैसा कि पहले बता दिया है कि सबसे पहले फिजिकल होगा, तो फिजिकल का क्राइटेरिया एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हाइट देखा जाएगा, तो आपका मिनिमम हाइट 170 यानी 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही जो ST कैटेगरी के कैंडिडेट है ना, उनके लिए 162.5 162.5 होना चाहिए। चेस्ट का कैलकुलेशन जो है जनरली सभी के लिए 80 से 85 यानी 80 to 85, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए। और जो ST कैटेगरी के यानी शेड्यूल ट्राइब के बच्चे होंगे, उनका क्या है, 76 to 81, मतलब 5 सेंटीमीटर उनको भी, बस यहाँ 80 से 85 है तो उनको 76 से 81 रहेगा, ठीक है। फिर आपका PET होता है रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप। तो रनिंग जो होता है ना, 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है, 7 मिनट 30 सेकेंड में इसको कंप्लीट करना होता है, यानी 7 मिनट 30 सेकेंड में इसको कंप्लीट करना होता है आपको। फिर लॉन्ग जंप होता है 11 फीट का, जो कि आपको 3 अटेम्प्ट्स में कंप्लीट करने हैं। हाई जंप होगा 3.5 फीट का, इसको भी 3 अटेम्प्ट्स में आपको कंप्लीट करना रहेगा। तो ये है आपका फिजिकल क्राइटेरिया, जिसमें पास आउट करने के बाद ना आपको रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। और जो एग्जाम का सेंटर है ना, ऑल ओवर इंडिया में रहेगा, तो आपके यहाँ आपका डिस्ट्रिक्ट में सेंटर पड़ सकता है या फिर नियर बाई सिटी में पड़ सकता है। तो अगर ये ऑफलाइन हुआ तो ऑनलाइन हुआ, तो जो आपका ऑनलाइन एग्जाम सेंटर पास का शहर है वहाँ पर ही एग्जाम सेंटर देता है। चलिए फिलहाल तो समझे एग्जाम की क्या पैटर्न होगी। देखिए 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा, विच इज़ फॉर 100 मार्क्स, मतलब कि पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलता है। टाइम जो है ना 2 आवर्स यानी 2 घंटे का रहेगा, एंड देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग। तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है ना, कि मान लो आप किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो कि इसका क्या आंसर होगा, ये टिक करे कि ना करे, तो आप टिक करके आ जाइए। यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि आप गलत करोगे तो सही वाले में से नंबर डिडक्ट होगा। आई होप आप ये कंसर्न समझ रहे होंगे, ठीक है। अब बताते हैं आपको कि किस किस सब्जेक्ट से आपको कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, जनरल नॉलेज से ना 10 क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स का भी 10 क्वेश्चन रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज से 10-10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। लास्टली ट्रेड रिलेटेड, यानी कि आपका ट्रेड संबंधित, मतलब कि ड्राइवर की पोस्ट के लिए भरे हो आप, तो ड्राइविंग से रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उससे संबंधित 60 प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो ड्राइविंग और ट्रैफिक रूल्स वगैरह का नॉलेज है तो आप इस एग्जाम में पास हो पाएंगे, ठीक है। तो यही आपका बेसिकली एग्जाम का पैटर्न है। और हाँ, एग्जाम में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी कुछ रखा गया है, जनरल और एक सर्विसमैन को कम से कम 35% यानी 35% लाना है, और जो SC ST और OBC है ना उनको 33% यानी कि 33% लाना है, ठीक है। तो ये आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स रहेगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो हाई कट ऑफ जाता है, अभी कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है, तो आपको हाई स्कोर करना है, जितना अच्छा आपका स्कोर होगा ना उतना जल्दी आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, आप पास हो पाएंगे। ये बस आपको कहने के लिए दिया जाता है कि कम से कम इतना नंबर लाना है, लेकिन ये कोई मैटर नहीं करता है। आपको पहले फिजिकल में पास होना है, एग्जाम में अच्छा नंबर लाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। फिर क्या होगा, आपका ड्राइविंग का टेस्ट होगा, DV मेडिकल होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आपको हैंड ओवर किया जाएगा, तब आपको एज अ ITBP कॉन्स्टेबल ड्राइवर सर्व करने का मौका मिलेगा। कहाँ पे, ऑल ओवर इंडिया में, जहाँ पे ITBP आपको अलॉट करेगी वहाँ पे जाके आपको अपनी सर्विस देनी होगी। हाँ, सर्विस के ड्यूरेशन में सैलरी क्या मिलती है, आइए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सैलरी आपको 21,700 से स्टार्ट होती है, 21,700, बाद में ये सैलरी बढ़ा के 69,100 यानी कि 70,000 के तकरीबन कर दी जाती है। शुरुआत में
30,000 से 35,000 के बीच में आपको मिलेगा, बढ़ते बढ़ते क्या होगा 80,000 से 90,000 के बीच में मिलेगा। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, इसे बिल्कुल मिस ना करें। अपनी तैयारी की स्पीड को बूस्ट कर ले, क्योंकि बहुत जल्द इसका एग्जाम भी हो ही जाएगा। मतलब नवंबर में फॉर्म कंप्लीट होगा, दिसंबर जनवरी में आपका फिजिकल भी हो जाएगा। तो तैयारी करते रहिए, फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे इस पोस्ट की सारी जानकारी। अब भी कुछ डाउट है तो नो हेजिटेशन, कमेंट करके क्वेरी को सॉल्व कर लेना। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ना नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारे न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।